अभी जो वॉइस आ रही है वो नॉर्मल मोड है, कोई भी मोड एक्टिवेट नहीं किया है। इसमें 3 प्रकार के मोड होते हैं, अटैच करने के लिए होते हैं। ये होता है आईफोन के लिए, ये होता है सी टाइप मोबाइल के लिए। दो क्वालिटी आती है इसके अंदर, एक तो आता है जिसमें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे, आज मैं वापस से व्लॉग शूट करने वाला हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने पिछली वीडियो नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया, तब मैं आज वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इस वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि मेरी वीडियो में नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो पीछे नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो आज मैं करने वाला हूँ माइक का रिव्यू। मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियो देखे थे कि बैकग्राउंड नॉइस कैसे हटाई जाए। मैंने ऐप भी ट्राई किया था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पावर डायरेक्टर नाम की एक ऐप आती है जिससे मैंने ट्राई किया था, पर नॉइस कैंसलेशन नहीं हुई थी। और भी बहुत सारी ऐप आती है, कुछ नहीं हुआ था। और मैंने माइक भी एक ऑर्डर किया था, पर उसमें जो माइक की जगह माउस आ गया था, तब मेरे पैसे वेस्ट हो चुके थे, तब मैंने कुछ नहीं मंगवाया। अब मैंने नया माइक ऑर्डर किया है, यह ग्रीनरो का माइक। तो इसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे ये काम करता है, उसके अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको बॉक्स को ओपन कर लिया था, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। मैंने माइक मंगाया था, क्यूबोनिक K8 माइक मंगवाया था, तो उसकी जगह मेरे पास माइक आ गया था। माइक नहीं आया था, माउस आ गया था, जो लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ आप यूज कर सकते हो। अब इसको ओपन करेंगे। इसका बड़ा वाला बॉक्स था वो मैंने ओपन कर दिया है, तो अभी इसको ओपन करने जा रहा हूँ मैं। तो ये देखो, सबसे पहले इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, और 20 मीटर ये सपोर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो आपसे 20 मीटर दूर वहाँ पे जाके वहाँ तक ये माइक सपोर्ट करेगा। और बाकी आप इसको देख लेना, ठीक है। और ये दो क्वालिटी आती है इसके अंदर, एक तो आता है जिसमें एक होता है माइक, इसके अंदर दो माइक होते हैं, और एक ये अडेप्टर होता है। अडेप्टर कह सकते हो इसको या प्लग कह सकते हो। तो मैं अब इसको ओपन करने जा रहा हूँ बॉक्स, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जो सील थी, एक पन्नी लगी हुई थी, वो मैंने उतार दी है। और ये आपको इसमें गाइड मिल जाएगी, बकायदे इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो आप, बाकी मैं वीडियो में पूरा बता दूंगा कैसे यूज करना है। तो ये इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है आपको छोटा सा, और ये इसकी एक डब्बी है। तो इस डब्बी को मैं खोल लेता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगी वायर जो चार्जिंग के लिए यूज होगी, ये चार्जिंग के लिए आप इस पर लगा सकते हो माइक को। और ये दो अटैच करने के लिए होते हैं, ये होता है आईफोन के लिए, ये होता है सी टाइप मोबाइल के लिए। डब्बी में यहाँ पे एक प्लग दिया हुआ है चार्ज करने के लिए, ये सिंपली आप इसके ऐसे कनेक्ट करके चार्ज लगा सकते हो इसको। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप दो माइक ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे एक माइक और होगा, पर मैंने सिंगल वाला ऑर्डर किया, तो ये है सिंगल माइक, और ये है इसका जो अडेप्टर कह सकते हैं आप, या एक प्लग कह सकते हैं इसको। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मोबाइल में कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको यूज करके दिखाता हूँ इसको। तो गाइज, मैंने मोबाइल ले लिया, रेडमी का मोबाइल है, और यहाँ पे टाइप सी सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं टाइप सी का आगे जो प्लग है वो लगा हुआ है, इसको रिसीवर कहते हैं, और ये है माइक, ठीक है। तो सबसे पहले आप माइक को ऑन करोगे तो सिंपली यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। अब आपको कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको इसमें डायरेक्ट लगा देना है, कोई ब्लूटूथ ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लाइट ऑफ हो चुकी है, लाइट ब्लिंक करना ऑफ हो चुकी है, ग्रीन लाइट हो चुकी है इसके अंदर, आप देख सकते हो। और इसके अंदर भी एक ग्रीन लाइट हो चुकी है, यानी कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के लिए मोबाइल में लगा लेता हूँ। अभी आप मेरी बात सुन पा रहे हो, ये सीधे मोबाइल से शूट की हुई है, मैंने कोई माइक यूज नहीं किया इसमें। अभी मैं आपको माइक यूज करके फिर इसका रिव्यू करता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ दूसरी लोकेशन पे। अभी आपको जो वॉइस आ रही है, नॉइस आ रही है, ये पूरे मोबाइल से आ रही है, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया है। अभी मैं माइक इसमें लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी वॉइस क्वालिटी कैसे कैसे नॉइस प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके नॉइस को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नॉइस हटती है और क्या कुछ होता है इसमें। मैं इसको एक बार लगा लेता हूँ मोबाइल के। दोस्तों, रिसीवर मैंने मोबाइल के अंदर लगा दिया और माइक मेरे हाथ में है। तो अभी जो वॉइस आ रही है वो नॉर्मल मोड है, कोई भी मोड एक्टिवेट नहीं किया है। इसमें 3 प्रकार के मोड होते हैं, वो एक्टिवेट करके दिखाता हूं मैं। सबसे पहले पहला मोड एक्टिवेट करेंगे, तो यहां पे ये पावर का बटन दिया है, इसको सिंपली प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे एक बार लाइट ब्लिंक होगी, यानी कि थोड़ी बहुत नॉइस रिड्यूस हो चुकी होगी। अभी जो वॉइस आ रही है वो मैंने पहले वाले मोड को एक्टिवेट किया है, तो एक बार नॉइस देख लो आप, नॉइस आ रही है नहीं आ रही है। ये सिंपली इसका पहला मोड है। अगर सेकंड मोड की तरफ आपको लेके जाना चाहूँ तो आपको सिंपली बटन पे एक बार फिर से प्रेस करना है। दो बार लाइट ब्लिंक हो चुकी है और ग्रीन लाइट हो चुकी है, मतलब सेकंड मोड एक्टिवेट हो चुका है। इसमें आपको थोड़ी बहुत नॉइस और कम हो जाएगी, सारी कम नहीं होगी तो थोड़ी बहुत और कम हो जाएगी। एक बार ट्रैफिक देखो और मैं चुप हो जाता हूँ, आप नॉइस सुनो एक बार। तो ये जितनी भी नॉइस आ रही थी ये सेकंड मोड के अंदर आ रही थी। अब तीसरा मोड की तरफ, जो इसका सबसे बेस्ट क्वालिटी, जो कंपनी बोलती है कि इसका सबसे बेस्ट क्वालिटी है, तीसरा जो मोड एक्टिवेट करते हैं उसमें सारी नॉइस रिड्यूस हो सकती है। तो अपने तीसरे मोड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली एक बार इसको फिर से प्रेस करना है, तीन बार लाइट ब्लिंक हो जाएगी, तो यह तीसरा मोड एक्टिवेट हो चुका है। ये इसका सबसे बढ़िया मोड है जिसमें आपको नॉइस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत नॉइस वैसे भी रह जाती है, थोड़ी बहुत ही मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत देखने मिलेगी। अब इसको बताता हूँ मैं कितनी दूर तक ये सपोर्ट करता है। तो मैं जा रहा हूँ उधर,
20 मीटर कंपनी ने इसको बताया था, तो मैं देखता हूँ कितनी दूर तक सपोर्ट करता है ये। तो दोस्तों मैं उधर जा रहा हूँ, कैमरामैन मेरे एकदम पीछे है, देखते हैं कि कहां तक ये मेरी वॉइस को कैच कर पाता है। तो अभी मैं उससे लगभग आ चुका हूँ, 10 से या 15 फीट दूर आ चुका हूँ मेरे कैमरामैन से। कंपनी ने 20 मीटर लिख रखा था, 20 मीटर का अगर वैसे फुट में देखो तो आप 60 फुट होता है। तो दोस्तों 20 मीटर लिख रखा था इस डब्बे पे और कंपनी में कहती 20 मीटर तक सपोर्ट करता है, तो 20 मीटर तक इसमें सपोर्ट किया है। 20 मीटर से ज्यादा आप दूर जाओगे तो ये अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके प्राइस के बारे में बताना चाहूँ तो ये माइक मेरे को पड़ा है 1900 रुपए का। अगर आप इसके अंदर दो माइक मंगाते हो जिसमें एक रिसीवर होता है, यानी कि दो बंदे आप एक यहाँ पे खड़े एक वहाँ पे खड़े, दोनों आप कनेक्ट करके इससे आप वीडियो बना सकते हो, तो वो आपको पड़ेगा 2500 रुपए का और ये मेरे को पड़ा है 1900 रुपए का। तो व्लॉगिंग के लिए, यूट्यूबर के लिए और जैसे ही आप कोई नॉर्मल वीडियो रील वगैरह बनाते हो तो उनके लिए काफी अच्छा माइक है। वो या कि मैंने PYMM1 माइक होता है वो मैंने टेस्ट किया था, उसमें इतनी नॉइज रिड्यूस नहीं होती जितनी ग्रीन रो में होती है। तो आप माइक लेना चाहो तो यही माइक लेना और कोई माइक मत लेना, पैसे वेस्ट मत करना। और एक K8 माइक आता है वो माइक ही मत लेना। आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।